फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिस किचन दोस्तों त्यौहार में अगर मीठा खा खा कर बोर हो गए हैं तो चलिए बनाते हैं एक बढ़िया सी चटपटी सी स्नैक जो कि उड़ीसा और कोलकाता में ज़्यादा फेमस है आलू चाप के नाम से स्ट्रीट फूड में ये बहुत ज़्यादा फेमस है उड़ीसा में जो आलू चाप मिलती है सिर्फ आलू नहीं होता है इसमें और भी कुछ चीज़ें डली जाती है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं मैं भी उड़ीसा में एक स्टॉल वाले के पास खाई थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई फिर मैंने घर पे ट्राई किया मुझे अच्छी रिजल्ट मिल गई तो मैं आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो वीडियो को पूरा देखें पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो चलिए सबसे पहले स्टफिंग बना लेते हैं कढ़ाई को गरम करेंगे फिर हम इसमें एक से दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे तेल के गरम होते ही आधी छोटी चम्मच सरसों आधी छोटी चम्मच जीरा डाल करके चटकने देंगे फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे जीरा और सरसों अच्छे से चटकने लगी है अब हम इसमें डाल देंगे एक चौथी छोटी चम्मच हिंग साथ में कुछ करी पत्ता भी डाल देंगे करी पत्तों को मैंने काट कर डाला है ताकि बड़े बड़े पत्ते मुंह में ना आए साथ में एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर डालेंगे मिला लेंगे और यहाँ पे आधी इंच के अदरक आठ से दस लहसुन के कली को बारीक काट करके डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ना ले अदरक और लहसुन को बारीक काट कर या फिर घिस करके डालें जिससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है अब मैं इसमें डाल रही हूँ आठ से दस हरी मिर्च जिसको मैंने दर पीस कर लिया है यह हरी मिर्च ज़्यादा तीखी वाली नहीं है इसलिए मैंने इतना सारा लिया है आप तीखी वाली मिर्च लेते तो क्वांटिटी कम कर सकते हैं मसालों को थोड़ी देर के लिए भून लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चौथा कप उबले हुए मूँगफली पीनट्स को मैंने उबाल करके डाला है एक गाजर मीडियम साइज का छोटे छोटे काट कर उबाल करके मैंने लिया है ये भी ऐड कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे इन्हें एक से दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ मशरूम्स जिससे इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है मैंने लिया है बटन मशरूम्स ग्राम्स में देखा जाए तो सौ ग्राम है इनको मैंने अच्छे से धोकर क्लीन करके फिर पतले पतले काट करके ले लिया है स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे मिला लेंगे और एक छोटी चम्मच आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला डाल सकते हैं आमचूर पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिलाते हुए हम मशरूम को थोड़ा सा पकने तक मीडियम टू तो हाई फ्लेम पे चलाते हुए पकाएंगे। ये देख सकते हैं मशरूम थोड़ी सी श्रिंक हो गई है पक चुकी है अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे मिला लेंगे मशरूम पक चुकी है तो चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू मैंने चार मीडियम साइज के आलू को उबाल कर छील कर हाथ से ही तोड़ कर रखी हूँ ये मैं इसमें ऐड करके अच्छे से मिला लेती हूँ आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और सारी चीज़ को अच्छे से मिला लेंगे फ्लेम को इस समय आप चाहे तो लो पे कर सकते हैं ये देखिए स्टफिंग अच्छे से रेडी हो चुकी है फाइनली इसमें कटे हुए धनिया पत्ता डालकर मिला लेंगे और हमारा स्टफिंग रेडी है को एक बोल में निकाल करके हल्का सा ठंडा होने देंगे फिर हम इसके बड़े बनाएंगे तो जब तक स्टफिंग ठंडा होता है तब तक हम यहाँ पे बैटर रेडी करेंगे मैंने लिया है डेढ़ का बेसन स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे आधी छोटी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर एक चौथे छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें थोड़े थोड़े पानी डालते हुए एक थिक सा बैटर रेडी कर लेंगे ध्यान रखें बैटर में लम्स नहीं होना चाहिए एक स्मूथ सा और थिक सा बैटर हमें रेडी करना है एक साथ में ज़्यादा पानी ना डालें नहीं तो बैटर पतला हो जाएगा ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी हमें ऐसा चाहिए तो बैटर भी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे हमारा स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है तो थोड़े थोड़े स्टफिंग लेंगे और इसको राउंड शेप दे करके प्लेट में रखते जाएंगे यहाँ पे स्टफिंग भी रेडी है बैटर भी रेडी है अब आती है इसको फ्राई करने की बारी और यहाँ पे तेल भी गरम हो चुकी है ये आलू चाप को फ्राई करने के लिए हमें मीडियम गरम तेल चाहिए और फ्लेम भी मीडियम पे होना चाहिए अब हम एक एक करके ये आलू वाला बॉल्स ले लेंगे और इसको बैटर में डिप करेंगे फिर ऐसे हाथ से उठाते हुए जो एक्स्ट्रा बैटर गिरता है उसको बोल में ही गिरने देंगे फिर इसको कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा बहुत अगर कढ़ाई में एक्स्ट्रा गिरती है तो कोई बात नहीं इसको यूज करके आप सूखी चटनी भी बना सकते हैं जब कभी हम पकोड़े आलू चाप आलू वड़ा भजिया कुछ भी तलते हैं तो एक्स्ट्रा बेसन जो गिरता है ये फ्राई होने के बाद इसको हम यूज़ करके बहुत ही अच्छी सी एक सूखी चटनी बना सकते हैं ये सूखी चटनी कैसे बनानी है मैं रिसेंटली एक वड़ा पाव की रेसिपी शेयर की है उसमें मैंने बताया है ये सूखी चटनी की रेसिपी भी शेयर की है उसमें तो उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं तो यहाँ पे मैं पांच आलू चाप को फ्राई करने के लिए तेल में डाल चुकी हूँ एक मिनट के लिए हम इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे एक मिनट के लिए टच क्यों नहीं करेंगे क्योंकि हम अगर तुरंत टच करेंगे तो ये बेसन की लेयर जो है वो उतर सकती है इसीलिए एक मिनट के लिए छोड़ देंगे फिर हम इनको पलट लेंगे और इवनली चारों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे वैसे ये बहुत ही जल्दी फ्राई होकर तैयार हो जाती है फ्लेम को मीडियम रख के हमें फ्राई करना है और यहाँ पे मैंने बेसन की लेयर भी बहुत ही पतली रखी है क्योंकि मुझे बहुत ही पतली लेयर पसंद है बेसन की बहुत लोगों को थोड़ा सा मोटा लेयर पसंद होता है तो आप बैटर को थोड़ा सा थिक करेंगे तो मोटा लेयर बन जाएगा बेसन का तो यहाँ पर हमारा एक बैच आलू चा फ्राई होकर तैयार है चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं बारिश की मौसम भी है और फ्राइड आइटम खाने का दिल भी कर रहा है तो किस बात की देरी बनाइए आलू मशरूम चाप और सर्व करें ग्रीन चटनी और टमाटो केचप के साथ ये रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें क्योंकि ये रेसिपी यूनिक भी है टेस्टी भी है और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है रेसिपी ट्राई करने के बाद कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें कि रेसिपी आपको कैसी लगी और ये आलू चाप को देखिए इसकी जो बेसन की लेयर है कितनी पतली है सही आलू चाप की निशानी ये होती है कि बेसन की लेयर पतली होनी चाहिए जिससे इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो उम्मीद आपको रेसिपी पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर